परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में हम लोग यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 के लिए जो यूजफुल होंगे। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने के लिए देखिए, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जो ये वर्ड हैं इनका हमको मीनिंग पता होना चाहिए। परम्यूटेशंस के लिए आप याद रखिए, इसका मीनिंग अगर हम देखें इंग्लिश में क्या हम इसको किस सेंस में यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं सेलेक्शन एंड अरेंजमेंट। मींस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद अरेंज करना, मींस यहां पे ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट का ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है। कॉम्बिनेशन जो वर्ड है इसका मतलब सिर्फ सेलेक्शन होता है, सिर्फ सेलेक्शन। सेलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपको डिफरेंट चीजें दी हुई हैं, उसमें से कुछ को या सबको चूज करना है। यहाँ पे भी सेलेक्शन का मतलब क्या हो गया, चूज करना। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सपोज कोई तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स को ए बी और सी से हम डिनोट कर रहे हैं, इसमें से हमको क्या करना है, दो को चूज करना है। पहले हमने चूज किया या सेलेक्ट किया, कितने तरीके हो सकते हैं दो को चूज करने के, या हम ए बी को चूज करें ए एंड बी, या हम कर सकते हैं बी सी को, और या कर सकते हैं सी और ए को। तो हमने क्या किया, यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट दिए थे, इसमें से दो को उठाना है, दो को उठाना है, या हम ये इस तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका ये हो गया, दूसरा एक तरीका ये हो गया, तीसरा एक तरीका ये हो गया। तो इसको चूज करने के कितने तरीके हुए, 1+1+1, कितने तरीके हुए, तीन तरीके हो गए। अब देखिए, आपसे कहा जाए कि इसको अरेंज करिए, अरेंज करिए मतलब यहाँ पे ए और बी का ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे माना जाएगा ए बी एक तरीका हो गया, बी ए दूसरा अरेंजमेंट हो गया, ये एक अरेंजमेंट हो गया, ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी बी सी एंड सी बी, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए सी ए एंड ए सी। तो यहाँ पे देखिए ये कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हो गए, यहाँ पे देखिए ये अरेंजमेंट पॉसिबल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी इवेंट्स और से रिलेटेड है, और में हम ऐड कर देंगे, तो अरेंजमेंट कितने पॉसिबल हो गए, यहाँ पे 6 अरेंजमेंट हो गए। तो ये 6 अरेंजमेंट कैसे आए, पहले हमने क्या किया, दो को चूज किया, सेलेक्ट किया, उसके बाद उनको आपस में अरेंज किया। तो इसको चूज करने के कितने तरीके थे, तीन तरीके थे। इनको आपस में अरेंज करने के कितने तरीके आए, यहाँ पे 1, 1, 2 आए। तो एक घटना ये हो गई, एक इवेंट ये हो गई 3, एंड उसके साथ साथ क्या किया, इनको आपस में दो तरीके से अरेंज किया, तो टोटल तरीके कितने आ जाएंगे, 3 × 2 = 6। अब देखिए इसमें जो ये पूरा प्रोसेस है इसको हम परम्यूटेशन कहते हैं, इनको हम परम्यूटेशन कह रहे हैं। जैसे कि तीन में से हमको तीन अलग अलग चीजें हैं, उनमें से दो को हमको सेलेक्ट करके अरेंज करना है, तो कितने तरीके हो गए, 3P2, या n डिफरेंट चीजों में से r को परम्यूट करना है तो npr होता है, ये क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहाँ पे कितने तरीके आ जाएंगे परम्यूट करने के, फैक्टोरियल n यानी कि 3/(3-2), ये आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 3 बाई 1, जो कि 1 होता है, ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 यानी कि 6। तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, n डिफरेंट चीजों में से हमको r को परम्यूट करना है। जैसे कि डिफरेंट आपको डिजिट्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सपोज 5 डिजिट्स हैं, आपसे पूछा जाए कि तीन डिजिट्स के कितने नंबर्स बना सकते हैं, मीन्स ये परम्यूटेशन की प्रॉब्लम है। मीन्स 5 में से हमको क्या करना है, 3 को परम्यूट करना है, सेलेक्ट करके अरेंज करना है, 5P3 तरीके हो जाएंगे इसके। अगर सिर्फ सेलेक्ट करना होता, ये क्या है, ये इवेंट है ये सिलेक्शन की, तो इसके लिए हम कॉम्बिनेशन यूज करते। कॉम्बिनेशन क्या है, n में से हमको n डिफरेंट चीजों में से r को हमको सेलेक्ट करना है, तो ये कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम हो गई। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r। तो सिर्फ सिलेक्शन की बात होती तो हम इस तरीके से इसको निकाल लेते, तीन में से हमको दो को मान लिया सेलेक्ट करना है, 3C2, तो ये क्या हो जाता, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, r क्या है 2, n माइनस r 3-2 1, यानी कि ये हो जाता 3 × (2)/(2), तो ये कितने बेस हो जाते, 3 हो जाते, जो कि हमने यहाँ पे काउंट करके निकाले हैं। तो इस तरीके से देखिए परम्यूटेशन क्या हो गया,
बिनेशन एंड अरेंजमेंट। हमने फॉर्मूला बताया था परम्यूटेशन का, एंड डिफरेंट चीजों में से आर को हमको सेलेक्ट करना है, तो एनपीआर। कॉम्बिनेशन का क्या है? एनसीआर। तो यहां पे देखिए परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन एंड अरेंजमेंट। अब देखिए कुछ चीज हम डायरेक्टली यूज करते हैं, जैसे कि NP1 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन, यानी कि ये हो जाएगा आपका n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन बाई फैक्टोरियल n माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा। तो NP1 कितना हो गया, n में से एक को हमको परम्यूट करना है, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, n हो गए। इसी तरीके से NC1 देखे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r यानी कि 1 फैक्टोरियल n माइनस वन, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, n हो गई। यहाँ पे देखिए NPN क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, फैक्टोरियल 0 नीचे आएगा यानी कि 1, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n। अगर n चीज़ों में से n को परम्यूट करना है तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, फैक्टोरियल n। यहाँ पे देखिए NCN क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस n, तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 1। n में से आपको n चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो एक ही तरीका इसका हो गया। तो इस तरीके से NPR और NCR में रिलेशन क्या हो जाएगा, NPR मींस हम इसको क्या कर रहे हैं, n में से R को चूज कर रहे हैं, NCR तरीके से चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, R चूज कर लिया, आपस में रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, फैक्टोरियल R तरीके से। तो ये रिलेशनशिप हो गई। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो फॉर्मूले हैं इनको हम कब यूज़ करेंगे, जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, उनमें से हमको r को परम्यूट करना है या सेलेक्ट करना है। साथ ही साथ रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इनको हम जो ऑब्जेक्ट हैं उनको रिपीटेशन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो आगे की एक्सरसाइजेज में हम लोग एक्सरसाइज जो है 7.3 और 7.4 जब देखेंगे, तो बाकी के कॉन्सेप्ट उन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ ही हम लोग डिस्कस करते चलेंगे।